बड़ी खबर दर्शकों को दे देती हूँ। घोसी उपचुनाव यहाँ हो रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, उनके तरफ से आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, ये कह रहे हैं सुधाकर सिंह। प्रशासन पर धांधली का आरोप भी सुधाकर सिंह की तरफ से लगाया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, हाई वोल्टेज ये उपचुनाव और इसमें देखिए किस तरीके से अब आरोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नीरज, रोमाना जब भी चुनाव होता है चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। निश्चित रूप में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमेशा इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे। सुधाकर सिंह भी उससे अलग नहीं है। चुनाव है, चुनाव में थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें होंगी और सामने भी आएंगी। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि चूंकि उपचुनाव जो होता है वो सत्ता पक्ष चुनाव और सत्ता का चुनाव होता है और जो सत्ताधारी दल होता है उसके साथ ज्यादातर लोग खड़े होते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बहुत बार देखा गया कि उपचुनाव में जनता सत्ता को धूल चटाने की का भी प्रयास करती है। आप देखें तो 2017 में विधानसभा चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी और राज्य में सरकार बनी, लेकिन ठीक उसके बाद जो दो उपचुनाव हुए गोरखपुर जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और दूसरा चुनाव जो फूलपुर से हुआ जहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की वजह से सीट खाली हुई थी, दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। ऐसे में ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसको जिताती है किसको हराती है। सही बात है, जनता जनार्दन है, जनता को फैसला करना है। लेकिन इस बीच ये आर पार की टक्कर एनडीए बनाम इंडिया और सुधाकर सिंह जिनको घोसी से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया उनकी तरफ से इस वक्त किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन पर, जरा ये सुनिए। पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे? हाँ, जहाँ समाजवादी पार्टी चाहे हमारे समर्थकों का वोट है हर जगह परेशान किया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव एक करा दें, 50,000 से सुधाकर सिंह घोसी की विधानसभा सुधाकर सिंह को जिता करके भेज देगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।